चलिए अब हम इसी के आगे देखते हैं बाबू। हम लोग पिछला क्लास में देख लिए थे डेराइव क्वांटिटी तक देख लिए थे, अब हम आगे देखते हैं यूनिट। यूनिट क्या होता है बाबू? तो किसी भी क्वांटिटी को एक स्टैंडर्ड यूनिट से, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस से हम लोग मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, और उसका एक सूटेबल नोटेशन देते हैं जो कि उस क्वांटिटी के लिए एप्रोप्रिएट हो। सपोज जैसे मान लीजिए, मान लिख लीजिए इट इज अ स्टैंडर्ड मेजरिंग स्टैंडर्ड रेफरेंस ऑफ फॉर मेजरिंग द फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। ठीक है, यानी क्या है, ये स्टैंडर्ड रेफरेंस है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए आप देखते हैं मास, तो मास का यूनिट क्या होता है, तो किलोग्राम। तो किलोग्राम क्या हो गया, तो इसका स्टैंडर्ड रेफरेंस हुआ, स्टैंडर्ड रेफरेंस हुआ किसके लिए, तो मेजरमेंट करने के लिए। तो किसका मेजरमेंट, तो मास का मेजरमेंट। तो मास का मेजरमेंट किससे किए, तो केजी से किए। सिमिलरली लेंथ, तो लेंथ का मेजरमेंट क्या हो गया, तो लेंथ का हो गया मीटर। ठीक है, तो चार टाइप का यूनिट होता है, कौन कौन होता है बाबू? तो पहला होता है MKS, दूसरा होता है CGS, तीसरा होता है FPS, एंड लास्ट वन होता है SI। MKS का मतलब क्या होता है बाबू? MKS का मतलब हो गया मीटर किलोग्राम सेकेंड। ठीक है, इसका फंडामेंटल जो मेजरमेंट होगा वो मास, लेंथ और टाइम होगा, और MKS का मतलब क्या हो गया कि मीटर किलोग्राम सेकेंड। सिमिलरली CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। FPS का मतलब फुट पाउंड सेकेंड, एंड लास्ट हो गया बाबू SI, जो कि आप इससे रूबरू हो। SI का मतलब हो गया सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ये बेसिकली चार यूनिट जो होता है जिसको हम लोग पूरा यूनिट में मेजरमेंट, किसी भी क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि कैसे अलग अलग क्वांटिटी को हम मेजरमेंट करते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल करेंगे। जैसे मान लीजिए पूछता है, क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में कि MKS को FPS में कन्वर्ट कीजिए, CGS को SI में कन्वर्ट कीजिए, MKS को SI में कन्वर्ट कीजिए, मतलब इसी हिसाब से कुछ कुछ पूछेगा। तो जैसे पूछेगा हम लोग आगे देखेंगे, फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं बाबू, यूनिट में यदि हम लोग देख रहे हैं तो देयर आर सेवन बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स, देयर आर सेवन बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स एंड टू आर सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सात जो होता है वो बेसिक, यही सात आपको पूरे डायमेंशन में, पूरे 11-12 में यही सात बेसिक फंडामेंटल का यूज होगा। देखते हैं हम लोग
तो पहले देखते हैं हम लोग, पहला जो है वो है मास, दूसरा है बाबू लेंथ, थर्ड है टाइम, फोर्थ है इलेक्ट्रिक करंट। इसको बेसिक समझना क्योंकि डायमेंशन नहीं इसका यूज होगा। मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, साथ है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ये यूनिट हो गया, ये सब सिंबल हो गया। मास का यूनिट क्या होता है आपको? किलोग्राम। लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का कैंडेला। ये नया चीज आप जान रहे होंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का MOL। अब इसको सिंबल, ये सिंबल जो होता है मेन इसका यूज हम लोग करेंगे डायमेंशन में। तो मास का हो गया कैपिटल M, लेंथ का हो गया कैपिटल है, टाइम का टी, इसका आई भी लिखते हैं, कहीं कहीं ए भी लिखते हैं, केल्विन का के, कैंडेला का सी डी, मोल का एम ओ एल होता है। ठीक है, ये सेवन बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स हो गए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है बाबू दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, तो टू सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या है? तो टू सप्लीमेंट्री यूनिट्स है पहला है बाबू प्लेन इंटर एंड दूसरा है बाबू सॉलिड प्लेन एंगल। सबसे पहले हम देखेंगे प्लेन एंगल। प्लेन एंगल किसको बोलते हैं बाबू? तो जो टू डी हो, यानी जिसका एक्स एक्सिस भी हो और वाई एक्सिस भी हो। ये हमने एक सर्कल से आर्क काट करके निकाल दिया, इसका एंगल थीटा मान लिए, ये सेंटर ओ हो गया, रेडियस आर हो गया, ये पॉइंट ए और बी, ए और बी का लेंथ हम मान लिए। ठीक है, रूबरू हो थीटा इक्वल्स टू क्या होता है बाबू? तो AB अपॉन OB। AB क्या है? तो L और OB क्या है? R। तो थीटा इक्वल्स टू L by R। तो L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बाबू? थीटा इंटू R। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं लेंथ। तो लेंथ को अगर हम इस देखते हैं, तो इस लेंथ को हम लोग पूरा इंक्रीज कर दिए, तो ये क्या बन गया? सर्कल बन गया। तो सर्कल का लेंथ कितना होता है, यानी पेरिमीटर ऑफ सर्कल कितना होता है? तो 2 पाई r डिवाइडेड बाय r, r से r कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, यानी सॉल्व प्लेन एंगल कितना डिग्री सबटेंड करता है एंगल? 2 पाई। यूनिट क्या हो जाता है बाबू इसका? तो यूनिट हो जाता है रेडियन। ठीक है, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इट इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इसका कुछ भी डायमेंशन नहीं होता है। डायमेंशन अभी हम लोग देखेंगे। क्लियर है? क्लियर। अब हम लोग देखते हैं बाबू सॉलिड एंगल। सॉलिड, सॉलिड का मतलब क्या हुआ? एक ठोस जिसका x भी होगा, y भी होगा, z भी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो 3D होगा। आप लोग आइसक्रीम खाया ना, आइसक्रीम, तो आइसक्रीम का शेप कैसा होता है? तो ये आइसक्रीम का, ठीक है, ये जो है जहां क्रीम डालते हैं, ये पोर्शन, यहां जहां क्रीम डालते हैं,
वो क्या हो गया, इससे एरिया हो गया, तो डेल्टा ए मान लिए, इस एंगल को हम लोग मान लेते हैं डेल्टा ओ, ठीक है, ये रेडियस आर, ये सारा आ गया। तो हम लोग जानते हैं डेल्टा ओ इज इक्वल टू क्या होता है वो, तो ये वाला पोर्शन एरिया यानी डेल्टा ए डिवाइडेड बाय आर आर स्क्वायर लिखते हैं। आर क्यों नहीं लिखते हैं, आर इसलिए नहीं लेंगे कि ये भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है और इसको जब हम डायमेंशन निकालते हैं आर लेकर के तो रॉन्ग हो जाएगा। इसके बारे में उतना डिटेल नहीं पढ़ना है कि प्रूफ कैसे आया है, बस आपको जानना है क्या कि डेल्टा ओ इज इक्वल टू क्या हुआ, तो एरिया सबटेंडेड बाय द सॉलिड पार्ट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। डेल्टा ए क्या है आपको, तो ये किसका शेप दिख रहा आपको, तो स्फीयर का होलो स्फीयर, तो 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर से आर गया, डेल्टा ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई, तो 4 पाई यानी सॉलिड एंगल कितना डिग्री सबटेंड करता है 4 पाई, 2 पाई इधर 2 पाई इधर 4 पाई, यूनिट क्या हो जाता है आपको, तो यूनिट हो जाता है स्टेडियन, ये भी हो गया आपका डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इसका भी डायमेंशन नहीं होता। प्लेन एंगल कितना 2 पाई, सॉलिड एंगल कितना 4 पाई, इसी में आप आपको पूछता है जब हम 12 में चलेंगे, अगर मान लीजिए ये सॉलिड एंगल जो है यानी ये एरिया जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डेल्टा ए का कंपोनेंट टूटेगा, इधर क्या हो जाएगा डेल्टा ए कॉस अल्फा और ऊपर में क्या हो जाएगा डेल्टा ए साइन अल्फा, तो इस सिचुएशन में डेल्टा ओम जो हो जाएगा बाबू वो हो जाएगा आपका डेल्टा ए कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो इसको हम लोग तुरंत सॉल्व किए, इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू हो जाता है 4 पाई, इसको भी नोट कर लीजिएगा, 12 में इसके बारे में हम लोग को जानना पड़ेगा, जब हम पूछेंगे तो आप बताना जरूर कि हाँ डेल्टा ओम का वैल्यू कितना होता है 4 पाई होता है। यहाँ पर क्या कर रहा है, तो डेल्टा ओ डेल्टा ए जो है तो एरिया वेक्टर है, वो क्या है कंपोनेंट बना रहा है एलोंगेशन एंड वाई एक्सिस।